नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, कोविड की थर्ड वेव आए ना आए, आपके इलाके में डेंगी डेंगू आ गया है। The internet is full of pro-science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो अल्टीमेटली इसको समझें या पहचाने कैसे? देखिए, जैसे ही अगर आपको इस टाइम पर बुखार हो रहा है और सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, बॉडी में पेन है, तो आपने करना क्या है? क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू हो सकता है, ये मलेरिया हो सकता है, ये डेंगू हो सकता है, और भी कई सारे वायरसेस हैं, तो आपको पहले पता कर लेना है कि आपको है क्या। ऑब्वियसली वायरस आपके अंदर 4 से 10 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपने अपने टेस्ट करवाने। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ये टेस्ट। पहले 7 दिनों के अंदर, यानी पहला दिन जब आपको बुखार आया उस दिन से लेके पहले 7 दिनों के अंदर आप अपना सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं। आप एंटीजन वाला टेस्ट करा सकते हैं, डेंगी NS1 एंटीजन। वो एंटीजन पॉजिटिव आ जाए या फिर आपका मॉलिक्यूलर टेस्ट, नैट टेस्ट, जिसमें आप लिटरली डेंगी का RNA देख सकते हैं। जैसे हम कोविड का RNA देख सकते हैं ना PCR करके, वैसे डेंगी का RNA देख सकते हैं आपके ब्लड में, आपके सीरम के अंदर। और ये टेस्ट के अलावा IgG IgM एंटीबॉडीज देख सकते हैं जो डेंगी के खिलाफ बनते हैं, IgG IgM। पहले 7 दिनों में आप ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। अगर पहली बार में भी आपका नेगेटिव आता है तब भी जरूरी नहीं है कि डेंगू नहीं है, हो सकता है डेंगू फिर भी हो। और सेकंड कन्वर्सलेंट फेज में जब सेकंड टाइम पे आपके एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं तब आपके एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाते हैं, राइट। एंटीबॉडी कई बार इतनी क्वांटिटी में नहीं होते कि आपका पहली बार में पकड़े जाएं, फिर अगली बार 7 दिनों के बाद लेते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं, पता चलता है हाँ, जो बीमारी है जो थी वो डेंगू ही थी। IgM एंटीबॉडी जो है ये आपके शरीर में कुछ 2 से 3 महीनों तक भी पॉजिटिव रह सकता है। अगर आपका IgM नेगेटिव है और IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो डेंगू आपको पहले कभी हुआ था।